तो आपने ट्रायंगल फटाका या फिर समोसा बम को यूट्यूब से देख के या फिर खुद से शायद बनाने की कोशिश की होगी, पर जैसे ही आप इसको आग लगाने जाते हो ना, तो ये फटता नहीं, ये फूस हो जाता है जैसे कि ये। ये तो फटा नहीं, फूस हो गया और फिर घूम भी गया। तो आज मैं इस वीडियो में वर्किंग ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि 100% आप जितनी भी बार फटाका बनाओगे ना, मतलब ये समोसा वाला क्रैकर या फिर ट्रायंगल क्रैकर जो भी है, जितनी भी बार बनाओगे ये 100% फटेगा आवाज़ के साथ। ये पेपर करीब 30 सेंटीमीटर का है, इसमें मेन बॉडी बनाने वाला हूँ और ये जो छोटा सा पेपर है इसमें बनेगा फ्यूज। चलिए अभी बारूद भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो अभी फ्यूज़ के लिए काफ़ी बारूद हमारा आ चुका है, तो अभी मैं एक जो दिया में जिसको लगाते हैं ना बाती बोलते हैं, तो उसको यूज़ करने वाला हूँ। उसको मैं फ्यूज़ मतलब उसको फ्यूज़ को थोड़ा सा थिक करने के लिए, मतलब मोटा करने के लिए यूज़ करूँगा। तो अभी मैं सारा बारूद फ्यूज़ वाले पेपर में अच्छे से अलाइन करके डाल दूँगा। तो अभी जो बत्ती है ना सफ़ेद कलर की, उसको मैं फोल्ड कर दूंगा ताकि जस्ट मोटा करने के लिए, हमारा फ्यूज़ थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और कोनिकल शेप होने वाला है, मतलब नुकीला होने वाला है, तो इसी वजह से मैं उसको फोल्ड करके फिर लास्ट में लगा रहा हूँ। हम इसको फ्यूज़ को एकदम टाइटली फोल्ड करेंगे और इसको एक कोन शेप जैसा देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सामने का पार्ट हो वो एकदम थिन हो और पीछे वाला पार्ट एकदम मोटा। तो अभी मैं पीछे वाला पार्ट को थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ ताकि बारूद गिर ना जाए। अभी एक्स्ट्रा पार्ट को मैं काट दूंगा। अब देख सकते हो ये एकदम कोन शेप का बना है, मतलब कांटे जैसा नुकीला बना है। मेन फटाका के लिए बारूद मैं छीन लेता हूँ। तो ये पूरा 3 बॉक्सेस यूज हो चुके हैं और इतना ही बारूद उसमें निकला है। तो अभी ये 3 मैच बॉक्सेस से मैच छीलने के बाद टोटल इतना बारूद निकला है। अभी हम मेन बॉडी बना लेते हैं, मतलब फटाका को फोल्ड कर लेते हैं। तो अभी फ्यूज़ में थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको अच्छे से सेट कर देते हैं, ताकि इसके अंदर से बारूद ना निकले और ये सेट हो जाए।
अभी आपको एकदम अच्छे से टाइटली फोल्ड कर देना है इसको। अभी ये पूरा बन के रेडी हो चुका।